हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। आपके साथ प्रेजेंट हूँ यहाँ पर मैं HS प्रीलिम्स पेपर सेकेंड एप्टीट्यूड लेके, जो कि आयोजित करवाया गया है HPPSC शिमला के द्वारा 26/9/2021 को। आपके साथ भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ये जो आंसर्स होंगे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की होंगे, जो कि प्रेजेंट की गई है बाय HPPSC। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ से फर्स्ट था कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपके पास यहाँ पर ये दिया गया था पैसेज और आपने इसको पढ़ना था। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन थे इनके आंसर्स करने थे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में था अकॉर्डिंग टू राइटर राइट्स कैन नॉट लास्ट लास्ट लॉन्ग। तो यहाँ से आप पैसेज को पढ़ के देख सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, विदाउट द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशंस। एंड सेकेंड था अकॉर्डिंग टू द राइटर इफ वी थिंक एक्सेसिवली इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड द मिस रिपली इन टर्म्स ऑफ ऑब्लिगेशन। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर था वो होगा आंसर हमारे पास डी, वी बिकम क्रिटिसाइज। एंड थर्ड क्वेश्चन है द राइटर बिलीव्स दैट, तो इसमें हमारे पास होगा इट इज़ रॉन्ग टू इम्पीड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अकॉर्डिंग टू द राइटर वाई इम्पोजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स वी कोज द आइडिया एंड थॉट्स टू स्प्रेड। द ऑप्शन बी होगा फोर्थ का आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिल करने हैं, फिलअप है यहाँ से। यहाँ से हमारे पास फिफ्थ था जिसमें आपके पास पढ़ के देख सकते हैं, इसमें हमारे पास डी ऑप्शन आएगा। सिक्स का हमारे पास ऑप्शन सी होगा एंड सेवन्थ का ऑप्शन हमारे पास ये होगा बी। और हमारे पास जो एट्थ है उसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ से बी होगा। हमारे पास जो नाइन्थ है जिसमें आपके पास ऑप्शन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर बी होगा, टू मेक द एक्सप्रेसिव जेस्टर्स वाइल स्पीकिंग। एंड टेंथ का हमारे पास आई डोंट नो हु होम आई कैन ट्रस्ट, यहाँ से होगा बी। एंड इलेवेंथ है, इलेवेंथ का ऑप्शन सी होगा और ट्वेल्थ का भी ऑप्शन सी होगा। थर्टीन्थ का ऑप्शन ए होगा एंड फोर्टीन्थ का ऑप्शन सी होगा। फिफ्टीन्थ है, फिफ्टीन्थ में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये मेरे पास सीरीज ए है, ए के अकॉर्डिंग आंसर्स आपको बता रही हूँ। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटीन्थ, उसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर गो थ्रू द चार्ट गिवन बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन 17 to 21 बेस्ड ऑन इट। आपके पास ये चार्ट दिया गया है जिसमें आपके पास ये बोला गया है कि चार्ट आपूर्ति जो एक वस्तु की मांग के प्रतिशत रूप में है, वह मांग जो उद्योग की क्षमता के प्रतिशत रूप में है को परिलक्षित करती है। तो यहाँ से आपके पास ये दिया गया है ईयर्स और यहाँ पर क्वांटिटी बताई गई है। तो इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 17th का आंसर हमारे पास जो करेक्ट है वो होगा हमारे पास ए। और हमारे पास 18th का हमारे पास यहाँ बी होगा। 19th का हमारे पास डी आंसर होगा और यहाँ से 20th का हमारे पास ऑप्शन सी होगा। इसी तरह 21 का भी ऑप्शन क्या होगा? सी। ये आंसर्स आप वहाँ से जो आपका ग्राफ है क्वेश्चन पेपर में वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 to 24, जिसमें आपको क्या करना है। टेबल दिया गया है जिसमें एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल सेल्स रिवेन्यू एंड द कॉस्ट फिगर ऑफ फोर्थ 3 ईयर्स आपको दिया गया है। और इसमें आपको यहाँ बताया गया है कि ये है जो दो चीज़ें हमारे पास, कि जो हमारे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा दैट इज़ इक्वल टू द एस्टिमेटेड रिवेन्यू एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट। एंड सेकेंड है यहाँ से प्रॉफिट होगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो होगा एक्चुअल रिवेन्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये आपको अप्लाई करना पड़ सकता है क्वेश्चन में जो आपके पास आगे पूछे गए होंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19th है इसमें हमारे पास ऑप्शन सी होगा और 30 का ऑप्शन भी सी होगा। हमारे पास 31 इसका भी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट फिर से यहाँ से टेबल दिया गया था और इसका आंसर हमारे पास जो यहाँ से 25 है, 25 है हमारे पास, सॉरी पीछे हमारे पास 22, 23 और 24 होंगे, वो 25 है हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास सी होगा। उसके बाद 26 है, 26 में क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे नन ऑफ दीज होगा। और 27 में हमारे पास यहाँ से 24 होगा और उसका हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं जो क्वेश्चन बोला है। आगे हमारे पास यहाँ से 29, 29 में हमारे पास USA होगा। 30 है, अब भाई आपके पास 32 है जो क्वेश्चन, आपको इसके जवाब इसको देख के देने थे। ये हमारे पास दिया गया था ये 2001 एंड 2002 में,
तो आपके पास यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पर डिक्रीज हुआ है मेडिसिन एरिया में, फार्मेसी में इंक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चर में डिक्रीज हुआ है, आगे आर्ट्स में भी डिक्रीज हुआ है, साइंस में है यहाँ से, इंजीनियरिंग में डिक्रीज हुआ है, और कॉमर्स में भी हमारे पास क्या है, कॉमर्स में हमारे पास सेम रहा है। तो इसके हमने आंसर्स देने थे। तो फर्स्ट जिसमें है ये कि निम्नलिखित वार चार्ट में 4 वर्ष 2001 से 2004 तक राज्यों के कुल छात्रों की संख्या प्रदान की गई है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिया गया है, और आगे यहाँ से कुल बताया गया है कि कितने कितने स्टूडेंट्स थे। तो जब सॉल्व करते हैं 30th का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इन विच फैकल्टी देयर वाज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम 2001 टू 2002। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2001 टू 2002 हमारे पास जो एग्रीकल्चर है इसमें डिक्रीज हुआ है यहाँ से 8 टू 5%, और बाकी ऑप्शंस में नहीं दिए हैं जो कि डिक्रीज, क्योंकि यहाँ से कॉमर्स और फार्मेसी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, एग्रीकल्चर होगा। अब इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं, रेशियो निकालने हैं बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फार्मेसी इन द ईयर 2001 टू 2002 रिस्पेक्टिवली, तो सॉल्व करके हमारे पास ये आता है डी का, आपके पास 32 का डी ऑप्शन आता है। उसी तरह 33 है उसमें हमारे पास ये आता है 30 डी ही आता है, उस 34 का बी आता है हमारे पास आंसर। अब आंसर पूछा गया है एलसीएम का था क्वेश्चन यहाँ से, तो इसका ये दोनों होगा, और उसके बाद ये था हमारे पास इसका ए आंसर होगा 36 का, 37 का होगा 15 ऑप्शन सी, एंड 38 का हमारे पास 24 होगा ऑप्शन बी, 39 का ऑप्शन ए होगा हमारे पास, और जो हमारे पास 40th क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन बी होगा। आप अपनी बुकलेट पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी पिक्स ब्लर है तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। एंड 41 है, 41 का हमारे पास यहाँ से 41 जो है हमारे पास इसमें काम करने की पूछा गया था कि कितने दिनों में दोनों पूरा करेंगे, 3 डेज आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 42 का हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, एंड 43 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए होगा। 44th है जिसमें सम ऑफ द मनी अमाउंट्स ये दिया था, 3 ईयर्स ये थे एंड सेकेंड भी दिया था, और उसमें 6 ईयर दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर सम ऑफ मनी निकालना था, तो यहाँ से ये आएगा ऑप्शन सी। 45 में था हमारे पास कि ए बी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपके पास ए इज इक्वल टू बी एक्स, बी इज इक्वल टू सी एक्स एंड सी इज इक्वल टू ए जेड है। आप देख सकते हैं ये तीनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी अगर हम एक्स वाई वैल्यू की वैल्यू रखते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं 1, तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड होगा इज इक्वल टू 1। एंड 46 है जिसमें हमारे पास ये ट्रेपिजियम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप सभी को फॉर्मूला पता ही है ट्रेपिजियम का, हमारे पास यहाँ से सॉल्व करने के बाद ऑप्शन डी होगा 84 सेंटीमीटर है, सॉरी 84 मीटर है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपिजियम, आपके पास सारा दिया है, आपको वहाँ से क्या निकाल लेना है उसकी, वो निकाल लेना है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है तो वो क्या निकल जाएगी, गहराई निकल जाएगी उसकी। 47 है, 47 में हमारे पास आंसर होगा यहाँ से, 47 का आंसर जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास 15 एंड 16। आपने क्या करना है, रेशियो निकालनी है वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब, सॉरी क्या था, वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ द यहाँ से सिलेंडर शंकु और बेलन का, दोनों का फॉर्मूला लगाना था और वहाँ से सॉल्व आउट कर देना था इसको। 48 का हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए आएगा। अब हमारे पास ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, तो ये इसको आप एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना था। अरेंज करने के बाद जब आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से 49th का आता है ऑप्शन बी, 50 का आता है सी, एंड 51 का भी सी ही आता है हमारे पास। आगे है मेरे पास यहाँ से, और यहाँ से 52 है उसका भी सी ऑप्शन होगा, 53 का भी सी ही आता है। उसके बाद हमारे पास 54 है जिसमें बोला गया कि 30% आर सिटिंग इन अ रो एंड फाइंड द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन 9th पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड द 16th पर्सन फ्रॉम द राइट, सॉल्व करने के बाद आएगा इसको 5। आगे हमारे पास ये पूछा गया है कि रामेश फादर सेज टू रामेश माई फादर हैज अ डॉटर हुज सन इज अमित एंड हाउ अमित इज रिलेटेड टू रामेश, तो ये ब्लड रिलेशन से था तो ये इसका कजिन आएगा आंसर। आगे आप हमारे पास 56 में था कि नंदिनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदन सिस्टर संगीताज ब्रदर हाउ इज नंदिनी रिलेटेड टू मदन, तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन डी। आगे हमारे पास 51 57 टू 61 आपके पास यहाँ से दिया गया है
क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ से ये आपको क्राइटेरिया दिया गया है, यह सारा इसको अंडरस्टैंड करके आंसर्स रिपोर्ट अप करने थे आपने। तो यहाँ से हमारे पास जो 57 है उसका होगा, हमारे पास ए आंसर आएगा, 58 का होगा सी एंड 59 का बी एंड 60 का होगा हमारे पास डी, 61 का हमारे पास हो जाएगा सी। अब है 62 to 64, ये हमारे पास था कि यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसको हमारे पास जो 62 है इसका आता है सी ऑप्शन, उसके बाद 63 का ऑप्शन बी, नेक्स्ट है 64th का हमारे पास ऑप्शन आता है बी। अब ये भी नेक्स्ट भी था, अंडरस्टैंड करना था, ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये हमारे पास क्राइटेरिया दिया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और उसके बाद इस क्राइटेरिया को देखकर आपको मार्क करना था ऑप्शन ए बी सी डी। अगर एप्लीकेंट सिलेक्ट हो जाता है, अगर कैंडिडेट है जो वो नहीं सिलेक्ट होता है, और उसके बाद सी था और डी में दिया था इन केस इज टू बी रेफर टू द चेयरमैन, तो यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं आपको, इनको जो स्टेटमेंट नेक्स्ट आपको दी गई होगी उसमें अप्लाई करना था और देखना था कि कौन सा यहाँ से आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने थे यहाँ। तो यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे पास 65 है उसमें ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, 66 का भी ए होगा करेक्ट आंसर, 67 का सी होगा, उसके बाद है 68 का डी होगा क्राइटेरिया को देखने के बाद, एंड 69 का ए होगा, और 70th है, 17th में हमारे पास ऑप्शन सी होगा, 71 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमारे ये सॉल्व आउट होने थे। अब नेक्स्ट भी इसी तरह से है जिसमें 72 to 76 पूछा गया है, और ये हमारे पास सिमिलरली वही क्राइटेरिया दिया गया है कि इन कंडीशंस को अगर ये कंडीशंस हैं तो ये ऑप्शन होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो ये ऑप्शन होगा, इस तरह से आपको ये करना था। तो हमारे पास यहाँ से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कंडीशन दी गई थी, एक तो +2 bio with 60% होना चाहिए था, और 18th एज उसकी 18 कंप्लीट होनी चाहिए थी 1 September 1994, और 70% इंटरेस्ट में अगर लेता है, उसके बाद अगर 20,000 एट द टाइम ऑफ वो एडमिशन के टाइम पे करने में कैपेबल है, 5th था कि अगर वो 12th में नहीं ले पाता है इंटरेंस में 70 नहीं ले पाता है, तो उसकी कंडीशन थी कि उसके पास क्या होना चाहिए, 90% मार्क्स होने चाहिए +2 stream में, और उसके बाद था कि इन केस ऑफ द कैंडिडेट हु सेटिस्फाई ऑल अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट द फोर्थ, तो फोर्थ था कि अगर वो 20,000 पे नहीं कर पाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो वहाँ पर अबव व्हाट कैन पे 10,000 एट द टाइम ऑफ द एडमिशन कैन बी प्रीवियसली एडमिटेड, तो यहाँ से था कि नहीं कर पाता है बट वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है और ये तीनों भी करता है और ये, तो ये उसको एडमिशन दे दी जाएगी। अब इसी के बेस पर क्वेश्चंस के आंसर देने थे, तो यहाँ से इसने बोला था कि अगर स्टूडेंट एडमिटेड किया जाता है तो आपको ए आंसर देना है, अगर नहीं एडमिटेड किया जाता है तो बी करना है, अगर स्टूडेंट है जो वो प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है तो सी करना है, अगर उसके बाद था कि छात्र को एडमिट ही नहीं करना है तो यहाँ से हमारे पास एडमिट अंतिम भर्ती होनी होगी, तो उसमें हमारे पास डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ से आपके पास दिया गया था, तो 70 का जो हमारे पास सी आना था, सी हमारे पास क्या था कि उसको केस करने के बाद वो आएगा सॉल्व करने के बाद कि वो उसको प्रिंसिपल के पास भेजना होगा, और उसके बाद 70th का हमारे पास ए होगा कि छात्र को एडमिशन होनी ही होनी है। अब हमारे पास 74th है, 74th में जो है ऑप्शन बी होगा जो वो सेटिस्फाई करेगा, तो बी आएगा कि उसको एडमिशन नहीं मिलेगी, उसके बाद डी है कि यहाँ से अंतिम उसकी भर्ती होनी होगी, और 76 का भी बी है कि उसको नहीं मिलेगी एडमिशन। आगे है 77 to 80, ये था हमारे पास, इसके आपको बनाना पड़ना था और लेडीज़ का हो जाना था, फिर उसके बाद मेल फीमेल और उनका जो भी प्रोफेशन है उसको बना के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी को क्या करना था, आपने अरेंज करना था कि किसका कौन कौन सी जोड़ी बन रही है और उनका प्रोफेशन क्या है, किससे रिलेटेड है, उसके बाद यहाँ से इसके आंसर्स बनने थे। तो यहाँ से हमारे पास इसमें हु केम आफ्टर द आशुतोष, तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा रिंकू, और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 78th है, 78th में हमारे पास ऑप्शन डी होगा कि रोजी किससे संबंधित है, ज्वेलरी से संबंधित है, उसके बाद 79th से हमारे पास ए एंड बी, उसके बाद ए होगा, 1 and 2 कंडीशंस होंगी यहाँ से, 1 और 2, उसके बाद है 80th जिसमें सी है आंसर,
81 है, 81 में हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं है, इनएडिक्वेट है यहाँ से, क्योंकि देखिए इन अ रो 35 चिल्ड्रंस, फिर एम इज 15 फ्रॉम द राइट एंड एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन बिटवीन द एम एंड आर, वट आर वट्स इज आर एस आर पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ 0। तो यहाँ से हमें आर का कुछ दिया ही नहीं था कि वो है कहाँ पर है और लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो इस वजह से हम उसका वही नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो किस पोजिशन पर है, तो यहाँ से डाटा हमारा इनएडिक्वेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास था कि रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सबसे क्या है टॉलेस्ट है वो कौन होगा, रोशन ही होगा। आगे है हमारे पास ऑप्शन ए होगा 82 का, 83 का हमारे पास यहाँ से जब करेंगे 83 का हो जाएगा हमारे पास ग्रैंडफादर, एंड 84 का उसका रिलेशन आ जाएगा वाइफ ना। आगे है 85th, 85th में हमारे पास ऑप्शन सी होगा, ये हमारे पास रॉन्ग रॉन्ग टर्म है, बाकी सभी करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास 86 में हमारे पास सी ऑप्शन होगा, और 87 है, 87 का हमारे पास सी ऑप्शन होगा, 88 का बी ऑप्शन होगा, 89 है, 89 में हमारे पास होगा उसका नॉर्थ, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, नॉर्थ आ जाएगा। और इसने पूछे कि कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा से शुरू करता है तो किस कौन कौन से उसकी ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन क्या होगा उसको इस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो दक्षिण दिशा से शुरू करते हैं इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, राइट मूव करेगा, राइट मूव करेगा, फिर राइट मूव करेगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारे पास 91, 91 में भी क्या था हमारे पास, ये दिया गया था सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ से आपने देखना था कि वैल्यू ऑफ, इसने पूछा है कि क्या पूछा है एन का, इसने पूछा है कि कौन सा इंटीजर आएगा एन पर, तो सी ऑप्शन होगा 6 आता है सॉल्व करने के बाद। और 92 है, 92 का हमारे पास ये था कि कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप, विच स्किल, तो ये हमारे पास सॉफ्ट स्किल होगा। 93 है, 93 में बोला गया है कि यू नीड टू अप्लाई फॉर सॉरी यहाँ से थोड़ा हाँ अप्लाई फॉर द लीव, विच मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन यू विल यूज़, तो ईमेल करेंगे आप, ऑप्शन डी होगा। 94th में हमारे पास है यहाँ से सी ऑप्शन कॉन्फिडेंस, और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 94, 94 का हमारा सी हो गया, 95 का हमारे पास कौन सा होगा, ये होगा अव्यक्तित्व, हमारे पास इसका आंसर होगा 95 का ए। अब हमारे पास 96 to 100, ये आपके पास एक पैरा दिया गया है, इसको पढ़ना था और उसके बाद आपको क्या देने थे, आंसर्स देने थे जो आपके नेक्स्ट उसके पे होंगे लास्ट उस पे। तो यहाँ से आप देखिए इसमें आपके पास बोला गया है मार्क योर आंसर एज इफ़ द इन्फेरेंस इज इनडेफिनेटली ट्रू, अगर तो पूरी तरह से आपका अनुमान सही है तो ए करेंगे, अगर आपका शायद नहीं है या परंतु पक्का सही नहीं है तो आप बी करेंगे और सी करेंगे, यदि अनुवाद यदि आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है, शायद गलत है और पक्का गलत है, तो आप डी आंसर करेंगे अपने आंसर शीट के ऊपर। तो हमारे पास 96 है, उसमें हमारे पास जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं वहाँ से क्लियर हो जाता है, तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन होगा। और उसके बाद 97 में हमारे पास ए होगा, 99 में बी होगा, 98 में बी होगा, उसके बाद 99 है, 99 में हमारे पास ए ऑप्शन होगा, ए स्टेटमेंट जाएगी, और उसके बाद जो 100 है उसका क्या होगा, बी होगा। तो ये हमारा था ऑल अबाउट द HSP, कौन सा था ये हमारे पास एप्टीट्यूड का टेस्ट था, एप्टीट्यूड था, और ये हेल्ड अप करवाया गया है 26 को, यहाँ से आप देख सकते हैं 26 को करवाया गया है, और ये कौन सा है हमारे पास, सीरीज कौन सी है, ए है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये जो मैंने आंसर्स आपके साथ शेयर किए हैं दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की दैट प्रोवाइडेड बाय HPPSC। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट जानने के लिए जो भी क्वेश्चन पेपर हेल्ड अप करवाए जाते हैं मैं मोस्टली यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा देती हूँ सॉल्व करके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।